एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन कलेजी, वो भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और वो भी तरी वाली। देखिए कितनी टेस्टी है ना, ऐसी हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 5 हरी मिर्च ली है, इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे हमने ऐसे बारीक काट लिया है। इसी तरीके से हमें प्याज को बारीक काटना है, ठीक है। और फिर प्याज काटने के बाद हमने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 और आधा चम्मच, मेथी थोड़ा सा, ठीक है, हमने मेथी ये सब लिए। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, तेज़ मिर्च जो होती है तीखी मिर्च वो 1/2 चम्मच, और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और ये गरम मसाला 1 और आधा चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने लिए वो जो हरी मिर्च थी, हमने उसे पीस लिया है, ये रहा। और ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने 1/2 किलो कलेजी ली है। और फिर कढ़ाई को हम पानी रख देंगे कढ़ाई में, और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और कलेजी को हमने 2 बार धो लिया, 3री बार इस गर्म पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में इसे हम धोएंगे, ताकि हमारे कलेजी की सारी गंदगी या फिर सारे जम्स जो हैं वो इसमें धुल जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारी कलेजी को हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से धोएंगे। और हाँ, एक बार ऐसे बना के देखें, बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और फिर उसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें तेज़पत्ता 2 डाल देंगे, फिर 2 बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 बड़ी इलायची डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 लौंग और 2 हरी इलायची। इसके अंदर हम ये डाल देंगे। डालने के बाद इसे हल्का सा चला देंगे, हम इसे चम्मच से इसे हल्का सा चलाएंगे। और फिर चलाने के बाद जब थोड़ा भुन जाएगा, तब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई प्याज डालेंगे, और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से चलाकर फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरीके से भुनेंगे हम प्याज को भी, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को, क्योंकि हमारी मटन कलेजी में प्याज बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। ये देखिए हमारा प्याज कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। ये देखिए हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। अब हम इसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट लिया था 1-1 चम्मच, वो इसके अंदर डाल देंगे। वो इसके अंदर डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरीके से इसके अंदर चलाकर और फिर मिला देंगे इसे, और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और फ्राई करेंगे। जब तक हमारा ये फ्राई हो रहा है, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और फिर इसे दोबारा से थोड़ा सा मिलाएंगे। इसे हम हल्का हल्का मिलाएंगे, ऐसी आराम से करके हम इसे मिलाएंगे, और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे हम इसे। ये देखिए हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब ये हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तब हम इसके अंदर डालेंगे दही। हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डालेंगे, जिस टेबल स्पून से हम जो खाते हैं उससे 2 चम्मच हम इसके अंदर दही डालेंगे। और दही डालने के बाद इसे भी मसाले में हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए हमें दही को इसके अंदर मिला लेना है अच्छी तरीके से। दही से हमारे मटन कलेजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा दही मसाले में अच्छी तरीके से मिल चुका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये हमारा मसाला अब थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है, थोड़ा कलेजी के साथ हो जाएगा। अब हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे, जो हमारी थी मटन कलेजी। ये देखिए हम अपनी सारी कलेजी इसके अंदर आराम आराम से डाल देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम अपनी सारी कलेजी डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे इसे, और मसाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमें इसे मसाले में अच्छी तरीके से मिलाना है। हमने इसमें चिकनाई भी डाली है थोड़ी सी, अगर आपको मन हो तो आप डालें, क्योंकि हम खाते हैं इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी डलवाई है। ये देखिए हमारा कलेजी, मटन कलेजी अच्छी तरीके से, ये देखिए हमने चिकनाई डाली है। आप खाते हो तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम खाते हैं इसलिए हमने डाला है, तरी भी बहुत अच्छा आएगा। हम इसे भी अच्छी तरीके से अपने मसालों में अच्छी तरीके से मिला लेंगे कलेजी को। देखिए हमारे मसाले कलेजी में कितनी अच्छी तरीके से मिल चुका है ना, अच्छी तरीके से हर जगह कलेजी लग चुका है, और कलेजी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद अच्छी चलाते चलाते अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये ध्यान रखें कि नीचे वो चिपके ना। ये देखिए हमारा, अब हम इसके अंदर जो हमने मसाले लिए थे, हल्दी, धनिया और मेथी, सूखी मेथी, वो इसके अंदर डालेंगे। ये वाले मसाले डालने के बाद हमने जो दूसरे मसाले लिए थे, दूसरे मसाले डालेंगे। ये हमने गरम मसाला, ये लाल मिर्च तीखी वाली, ये कुटी हुई लाल मिर्च, और ये काली मिर्च का पाउडर, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद अब हम इसके अंदर अब ज़ीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा।
जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसे दोबारा से चलाएंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। हम मसाले को इसमें अच्छी तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे दोबारा से चलाएंगे। पानी डालने से हमारा जो भूनने में बहुत आसानी हो जाएगी और मसाला नीचे चिपकेगा भी नहीं। हमें उस आराम आराम से अच्छी तरीके से भूनना है इसे। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, पकड़ के अच्छी तरीके से सेफली भूनेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से अपने मटन कलेजी में लगा लेंगे। चलाते हुए खुद ही लग जाएगा वैसे। तो ऐसे ही हमें बनाना है। तो हमारा ये मटन कलेजी भुन रहा, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दे, हमारी वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें इसमें हल्दी थोड़ा सा कम लगा, उसमें हमने एक्स्ट्रा करके हल्दी थोड़ा सा डाला है। आपको जितना हल्दी चाहिए वो आप उतना अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर दोबारा से चला के मिक्स कर देना है। अपने मसाले को अच्छी तरीके से मटन कलेजी में लगा लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे हम, ताकि हमारा मसाला भूनने में आसानी हो। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से फिर दोबारा से चलाएंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब हम इसे खोलेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है ना। फिर इसे दोबारा से चलाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि हमारा मसाला नीचे चिपके ना, ध्यान रखें कि मसाला नीचे से जलने लगेगा। और फिर दोबारा से इसे चलाएंगे और भूनेंगे इसे। ये देखिए, हमारा कितनी अच्छी तरीके से मसाला मटन कलेजी में अच्छी तरीके से लग चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही लाजवाब कलर हो जाएगा इसका तो। ये देखिए कितना अच्छा कलर हो गया ना हमारा भुना हुआ। अगर आप ऐसे खा के देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। पर हम इसमें थोड़ी सी तरी लगाएंगे, ग्रेवी लगाएंगे इसमें थोड़ी सी। ये देखिए कितना बढ़िया बन चुका है ना ये। आप ऐसे भी खा सकते हैं। और फिर इसके भुनने के बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उतना इसमें पानी डाल दें। हमें जितनी चाहिए थी हमने उतनी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद ये देखिए इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसे। जब ये हमारा मिल गया है अच्छी तरीके से, तब हम इसे ढक देंगे। देखिए 2 मिनट से 3 मिनट हो चुके हैं। इसे हम जब खोलेंगे तब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नमक डालने के बाद हम इसे पकड़ लेंगे और फिर इसे दोबारा से मिलाना स्टार्ट करेंगे, ताकि नमक हमारा अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। इसलिए हमें मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम इसे मिलाएंगे और फिर इसे धीमी आंच पे रखेंगे। ये देखिए हमारा मटन कलेजी का कलर कितना बढ़िया आ चुका है ना। इसी तरीके से हमें बनाना है अपने मटन कलेजी को, थोड़ा थोड़ा देर पे चला चला कर, ताकि हमारा मसाला नीचे से जलने लगे, ठीक है। ये देखिए हमारे मटन कलेजी में कितने अच्छे बबल्स आ चुके हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा तैयार होने की कगार पर है। धीमी आँच पर फिर हम इसे ढक देंगे। और फिर 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे खोला तो हमारा मटन कलेजी तैयार हो चुका है। टेस्टी मटन कलेजी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।